नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मियों के लिए टमाटर की टॉप हाइब्रिड किस्मों के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम किसानों के जो फीडबैक हैं उसको भी साझा करेंगे। तो किसान भाइयों, कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं जिनको हम गर्मियों में लगाकर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख किस्मों के बारे में। तो नंबर एक पर है सिंजेंटा की TO 6242 किस्म। टमाटर की यह किस्म सेमी डिटर्मिनेंट टाइप की हाइब्रिड किस्म है। मुख्य रूप से गर्मियों के दिनों में इस किस्म में गर्मियों के तापमान के प्रति उच्च सहनशीलता और अच्छी उपज देखने को मिलती है। इस किस्म की औसत लंबाई 5 से 6 फीट, मजबूत, हरे भरे और तेजी से बढ़वार वाले होते हैं, जिनमें औसतन 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। जबकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर पौधे की वृद्धि प्रभावित हो जाती है। इसके फल 80 से 100 ग्राम वजन के होते हैं, पकने पर पूरी तरह लाल अंडाकार आकार के और लंबी दूरी निर्यात के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसकी सबसे अच्छी विशेषता है किसान भाइयों कि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी पकने पर पूरी तरह से लाल पकते हैं। 2023 में किसानों ने इस किस्म से बहुत अच्छा उत्पादन लिया है। हालांकि कुछ किसानों के खेत में विल्ट की समस्या देखने को मिली है। तो यह बीमारी फ्यूजेरियम एक प्रकार की भूमिजनित बीमारी है, भूमिजनित समस्या है, और मिट्टी में यह समस्या पहले से मौजूद फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस के कारण होती है। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आती है तो आप किसी अन्य किस्म को लगा सकते हैं। विल्ट की समस्या वाले खेतों में इस किस्म को किसान भाइयों नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा इसके हम बीज की बात करें तो इसका जो 10 ग्राम बीज है किसान भाइयों, बाजार में हमें लगभग 1900 रुपये से लेकर 2000 रुपये के मध्य मिल जाता है। किसान भाइयों, बीज भंडार की जो दुकानें हैं वहाँ पर आसानी से अवेलेबल रहता है किसान भाइयों। अब इसके बाद हम दूसरी किस्म की बात करते हैं तो सिंजेंटा की 1057 वैरायटी है। यह किसान भाइयों, टमाटर की 1057 किस्म गर्मियों के लिए उच्च सहनशील किस्मों में से एक है। यह किस्म के पौधे टमाटर में लगने वाली बीमारी टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के प्रति बहुत अच्छे सहनशील होते हैं। इस किस्म के फल स्क्वायर गोलाकार आकार के, औसतन 80 से 90 ग्राम वजन के और 4 से 5 फल गुच्छों में लगते हैं, और पकने पर फलों का रंग पीला मध्यम लाल और रहता है। इसके फल पकने पर 6242 किस्म की तरह गहरे लाल नहीं पकते हैं और फलों के आकार में थोड़ा अंतर रहता है। और किसान भाइयों, यदि देखा जाए तो यह दोनों किस्में गर्मियों में उत्पादन एवं सहनशीलता तापमान के प्रति दोनों में एक जैसी हैं। और 1057 किस्म को लेकर हमारे किसानों का जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो बहुत अच्छा देखने को मिला है किसान भाइयों। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में कभी कभी 1057 में लेट ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है, और बाज़ार में इस किस्म का बीज लगभग किसान भाइयों जो 3000 बीज हैं वो 1850 रुपये का मिल जाता है किसान भाइयों। इसके अलावा हमारी अगली वैरायटी सेमनिस कंपनी की अंसल F1। गर्मियों में पैदावार के लिए यह किस्म सर्वोत्तम है क्योंकि पैदावार के साथ साथ टमाटर में भूमिजनित बैक्टीरिया एवं अन्य वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित है, और साथ ही गर्मियों में इसको पछेती समय के लिए भी लगाया जा सकता है किसान भाइयों। इस किस्म का पौधरोपण किसान भाइयों मार्च महीने तक कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों ध्यान रखिए कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक पौधरोपण आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के लिए टमाटर की जो पौधरोपण का उचित समय है वो जनवरी फरवरी का महीना होता है। यदि इस महीने में पौधरोपण हो जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। इस किस्म के फल डिटर्मिनेट टाइप के और 4 से 5 फीट औसत लंबाई के होते हैं, जो मुख्य रूप से टोमेटो मोजेक वायरस और स्ट्रेन 0 और स्ट्रेन 2 फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्ट्रेन 0 और स्ट्रेन 1, इसके अलावा बर्टिसिलियम का एल्बोस्ट्रम स्ट्रेन 0 के प्रति बहुत अच्छी सहनशील है, और साथ ही स्पॉटेड विल्ट वायरस स्ट्रेन 1 और टोमेटो लीफ कर्ल वायरस
के प्रति मध्यम सहनशील है, मतलब फसल में गंभीर बीमारी की संभावना लगभग ना के बराबर है। किसान भाइयों, फलों का आकार अंडाकार और शेप में 90 से 100 ग्राम, फल पूरी तरह से पकने पर लाल रंग के एवं लंबी दूरी निर्यात के लिए उपयुक्त होते हैं। टमाटर की इस किस्म में फ्यूजेरियम बिल्ट और स्पॉट बिल्ट की समस्या लगभग ना के बराबर होती है किसान भाइयों, लेकिन गर्मियों में कई बार फल पकने पर लूज होने की समस्या इस वैरायटी में देखने को मिलती है और इसका उपाय है कि फलों की तुड़ाई कच्ची अवस्था में की जाए और साथ ही फसल में पर्याप्त नमी की मात्रा बनाकर रखें। बाजार में अंसल किस्म का बीज किसान भाइयों लगभग जो बीज भंडार की दुकानें हैं उनमें 10 ग्राम बीज 1250 से लेकर 1300 रुपये तक का आपको आसानी से मिल जाता है किसान भाइयों, दुकानों में अवेलेबल है। किसान भाइयों, टमाटर की ये तीनों किस्में लंबे फलों वाली किस्में हैं जो टमाटर की गर्मियों के लिए सबसे अच्छी किस्मों में से एक हैं। इसके अलावा भी किसान भाई यो क्षेत्र के अनुसार गर्मियों के लिए उच्च संवेदनशील हैं, जैसे सिंजेंटा की, अभिनव, शेमिनिस की, विराम और NS 504 और US 2853। इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी किस्में हैं, उनको आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, उनका चुनाव आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गई जो हमारे लंबे टमाटर की वैरायटियां हैं उनकी बात। अब बात करते हैं टमाटर की गोल फल वाली किस्मों की, जिनको गर्मियों में लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है गर्मियों के दिनों में। तो इनमें सबसे पहली किस्म है सिंजेंटा कंपनी की साहो 3251। यह किस्म गोलाकार शोल्डर सेगमेंट में गर्मियों एवं सर्दियों के लिए सर्वोत्तम किस्मों में से एक है। हालांकि इसको बारिश के मौसम में भी लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से फूल फल ना लगने की समस्या सामने आती है। किसान भाइयों, यह गोल और शोल्डर सेगमेंट फलों वाली हाइब्रिड किस्म है और इस किस्म की में तीन मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें पहली है फलों की क्वालिटी, आकार, रंग एवं टेस्ट और दूसरा है इसकी पैदावार। गर्मियों में गर्म तापमान के प्रति इसकी सहनशीलता, ये तीन क्वालिटी इस वैरायटी में हैं और इस किस्म के पौधे डिटर्मिनेट हैबिट के होते हैं, यानी कि पौधे एक निश्चित लंबाई के लगभग 5 से 5.5 फीट ऊंचाई के होते हैं और साथ ही पूरे सीजन हरे भरे, जबकि फलों का औसत वजन 80 से 100 ग्राम फ्लैट गोलाकार सेगमेंट के पकने पर पूरी तरह से लाल होते हैं। पिछले वर्ष 2023 में इस किस्म को सबसे अधिक किसानों द्वारा लगाया गया है और उत्पादन लिया गया है। हालांकि कुछ किसानों की यह समस्या भी थी कि पहली और दूसरी तुड़ाई के बाद फल छोटे होने लगते हैं और इसका कारण है कि क्षमता से अधिक फलों का लगना, जो बार बार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के स्प्रे करने के कारण होता है। इसका 10 ग्राम बीज बाजार में लगभग 950 रुपये से 1000 रुपये में बीज भंडार की दुकानों में अवेलेबल है, मिल जाता है किसान भाइयों। अब इसके बाद हमारी अगली किस्म है US 1508। US 1508 के जो फल हैं किसान भाइयों, वो राउंड शोल्डर सेगमेंट में गर्मियों की बेस्ट किस्मों में से एक है। खासकर फलों की गुणवत्ता, कलर, टेस्ट एवं लंबी दूरी निर्यात के लिए इसके फलों का वजन लगभग 90 से 100 ग्राम के आसपास होता है, फ्लैट राउंड शोल्डर सेगमेंट में, और पकने पर पूरी तरह से लाल होते हैं और इसके पौधे सामान्य ग्रोथ वाले टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के प्रति अच्छे सहनशील होते हैं। इसका 10 ग्राम बीज 500 रुपये में बाजार में आसानी से मिल जाता है किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली किस्म है वो है BASF ननहेंस कंपनी की F1 हाइब्रिड आर्या। यह चपटे गोलाकार फलों वाली और शोल्डर सेगमेंट की हाइब्रिड किस्म है और इस किस्म के को आप उन सभी राज्यों में लगा सकते हैं जहां तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसके गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग देखने को मिलती है। इस किस्म के पौधे 4 से 4.5 फीट ऊंचाई के लीफ कर्ल वायरस के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं और इसके फल गोलाकार 80 से 90 ग्राम वजन के और पकने पर पूरी तरह से लाल होते हैं और बाजार में इसका 3000 बीज 700 रुपये में मिल जाता है किसान भाइयों। इसके अलावा और भी कई अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, जैसे एशियन हाईवेज कंपनी की शिवम और सिद्धार्थ। इन दोनों किस्मों के जो पौधों की लंबाई है वो 4 से 5 फीट हाइट के होते हैं और रोपाई के 60 से 65 दिनों में
फलों की तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इनके जो फल हैं वो चपटे, गोल एवं हरा रंग लिए हुए लाल रंग के होते हैं और फल ठोस, खट्टे स्वाद वाले एवं 90 से 100 ग्राम वजन के होते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से इन किस्मों को लगाकर आप गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज का हमारा सवाल है, टमाटर की फसल में किस प्रकार की मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान,